जय माता दी। मित्रों मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है। मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं सिंह राशि के मंथली राशिफल की। अक्टूबर में सिंह राशि कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सिंह राशि के जीवन में अक्टूबर में ग्रह गोचर में बड़ा बदलाव के कारण 10 घटनाएं घटित हो रही है। आप वो 10 घटनाएं क्या है, इसके बारे में डिटेल करेंगे। और ज्योतिष के अनुसार मित्रों अगर देखा जाए तो 3 बड़ी घटनाएं अक्टूबर में क्षितिज के ऊपर यानी ऊपर घटित हो रही है। अब वो 3 घटनाएं क्या है, इसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। पहली घटना हो रही है 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को सूर्य और चंद्रमा आमने सामने आ जाएंगे, यानी कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इसी प्रकार से देखा जाए तो 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगेगा और 30 अक्टूबर को 18 साल बाद राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। कहीं ना कहीं राहु उल्टी गति में चलते हुए, उल्टा चलते हुए मेष राशि से मीन राशि के अंदर राशि प्रवेश करेंगे और 18 महीने के लिए करेंगे। सिंह राशि पे क्या प्रभाव है, इसकी वीडियो पहले ही बना चुका हूं तो जरूर देख लीजिए। चलिए आप मंथली राशि फल यानी अक्टूबर में 10 घटनाएं क्या होंगी, लमसम वो 10 घटनाएं क्या होने वाली, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली घटना के बारे में बात करने से पहले मैं भाई सिंह राशि की कुंडली दिखाना चाहता हूं। ये सिंह राशि की कुंडली है, शुक्र आपके लगन में बैठे हैं, आपकी राशि में बैठे हैं, सूर्य मंगल बुध द्वितीय भाव में बैठे हैं, तृतीय भाव में भाई आपके केतु बैठे हैं और सप्तम भाव में शनि। और एक चीज आपने नोट करी, अक्टूबर के महीने में शुक्र और शनि का समसप्तक योग बन रहा है, यानी शुक्र और शनि आमने सामने बैठे हैं, तो ये जो स्थिति है आपके लिए बड़ा अच्छा है। और शुक्र यहाँ पर जो लगन में बैठे ना, तो पूरे अक्टूबर के महीने में मालव्य योग बना रहे हैं, तो ये आपके लिए सिंह राशि के लिए लाभकारी स्थिति है। पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये जो शुक्र जो है सिंह राशि में यानी देखा जाए आपके लगन में, आपकी राशि में जो बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अक्टूबर महीने की शुरुआत में ही आपको कोई खुशखबरी मिल जाएगी। यानी अक्टूबर का महीने की शुरुआत किसी खुशखबरी से होगी, किसी आपको फैमिली फंक्शन, शादी समारोह, पार्टी में जाना पड़ सकता है। यानी शुरुआत के 10 दिन के अंदर यानी 1 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में कोई ना कोई खुशखबरी या किसी फैमिली फंक्शन में आपको जाना पड़ सकता है। अक्टूबर में देखा जाए तो भाई यहाँ जो शुक्र लगन में बैठे हैं, तो आप दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में काफ़ी धन या वस्त्र या आभूषण अपने लिए खरीद सकते हैं। यानी दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप बहुत सारी खरीदारी करने वाले हैं, बहुत सारे भोग विलास या वासनाओं में आपके ऊपर भोग विलास या वासनाएं आपके अक्टूबर के महीने में हावी हो सकती है। यानी कि आप खूब ख्याली पुलाव पका सकते हैं। ख्याली पुलाव पकाने का मतलब बहुत सारी कल्पना में आप जी सकते हैं, बहुत सारे आप सपने देखेंगे, बहुत सारी प्लानिंग योजनाएं आप करेंगे, जिसमें से देखा जाए तो 20% में आप मेहनत करेंगे, बाकी आप अक्टूबर के महीने में बहुत सारी प्लानिंगें करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। अक्टूबर के महीने में नृत्य संगीत या कला में आपका इंटरेस्ट जागृत हो जाएगा, कोई इंस्ट्रूमेंट भी जबरदस्ती आप खरीदेंगे, 2 दिन बजाएंगे और धन वेस्ट होगा। तो कुल मिला के अक्टूबर के महीने में मन के अनुसार आप काम करने वाले हैं, थोड़े मूडी स्वभाव भी हो जाएगा, कहीं ना कहीं मूड स्विंग भी होता हुआ अक्टूबर के महीने में सिंह राशि का देखेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो आप मन को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे खरीदारी, बेफालतू के खरीदारी करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। अब दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन भाव में यहाँ आप देखेंगे सूर्य मंगल और बुध बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए अक्टूबर में आपको अच्छा खासा धन प्राप्त होगा और खूब सारे खर्चे भी होंगे। यानी कि 1 तारीख से लेकर 17 अक्टूबर तक देखा जाए अचानक कमीशन से या एक्स्ट्रा इनकम से आपको कोई धन प्राप्त हो सकता है, कोई व्यक्ति आपको अच्छा खासा डील करा सकता है जिसमें आपको अच्छा धन लाभ होगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। लेकिन मंगल के कारण, क्योंकि मंगल भी सूर्य बुध के साथ मंगल भी बैठे हैं और शत्रु राशि में बैठे हैं, तो अक्टूबर के महीने में बिजली पे आपका खर्चा होगा, आपका चालान कट सकता है, आपके उपकरण खराब हो सकते हैं जिस पे आपका खर्चा होगा, या किसी से लड़ाई या वाद विवाद भी भाई आपके अक्टूबर के महीने में मंगल के कारण होंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अक्टूबर के महीने में वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, याद रखिएगा, खासकर 17 दिन 1 तारीख से 17 अक्टूबर 18
18 से लेकर 30 अक्टूबर तक देखा जाए बुध तुला राशि में निकल जाएंगे और ये स्थिति यानी बुध आपकी कुंडली में तृतीय भाव में चले जाएंगे। ये स्थिति आपको बहुत धन लाभ देगी, धन का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा 18 से 30 अक्टूबर के बीच में। शेयर या इन्वेस्टमेंट में आपको लाभ होगा या कोई बड़ी डील से आपको लाभ होगा, कहीं ना कहीं कमीशन का धन प्राप्त होगा, यानी 18 से 30 अक्टूबर में आपको जबरदस्त धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के अक्टूबर का महीना सिंह राशि के धन के लिए बहुत अच्छा है। बस 17 दिन में थोड़ा खर्चे ज़्यादा रहेंगे लेकिन उसके बाद आपको अच्छा धन लाभ हो रहा है। तृतीय घटना के बारे में बात करें तो तृतीय भाव में भाई आपके केतु बैठे अक्टूबर के महीने में, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कान में हल्का फुल्का आपको इन्फेक्शन की संभावना रह सकती है, उसकी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो परिवार भाव में देखा जाए तो अक्टूबर का महीना अच्छा बुरा दोनों ही रहेगा। कहीं ना कहीं परिवार भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि सूर्य और बुध के साथ बैठे हैं, तो परिवार के साथ में अक्टूबर के महीने में अचानक आप किसी यात्रा का प्लान कर सकते हैं। अनप्लान्ड नदी पहाड़ों या किसी हिल स्टेशन की यात्रा आप करने जा सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। फैमिली के साथ में कुछ दिन आप सुकून से रह सकते हैं, चैन से रह सकते हैं, ऐसे योग नज़र आ रहा है। और फैमिली मेंबर जो आपके घर के अंदर फैमिली सदस्य अक्टूबर में, उनमें से किसी फैमिली मेंबर में करियर में उनको बड़ा ऑफर प्राप्त हो सकता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके फैमिली मेंबर में किसी को नई जॉब का ऑफर या नए प्रोजेक्ट का ऑफर प्राप्त हो सकता है। वहीं देखा जाए तो मंगल भी सूर्य और बुध के साथ में बैठे हैं, तो अचानक घर के अंदर बिजली पे, इन्वर्टर पे या वाहन पे आपका धन खर्च भी भाई अक्टूबर के महीने में हो सकता है, या किसी फैमिली मेंबर का धन खर्च भी आपको सुनाई देगा, मोटा धन खर्च होगा, उसके लिए आप तैयार रहें। पांचवी घटना के बारे में बात करें तो भाई उसका असर संतान पक्ष पे होगा, यानी संतान के लिए अक्टूबर का महीना थोड़ा परेशानीदायक रहेगा। पहले छोटी संतान की बात करें, यानी छोटी संतान का मतलब 1 साल से लेकर 17 साल की उम्र में जो संतान है उनको निमोनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, बुखार की प्रॉब्लम अक्टूबर के महीने में हो सकती है। विद्या और करियर अच्छी है लेकिन हेल्थ के इशू रह सकते हैं, ऐसा योग अक्टूबर के महीने में बन रहा है। बड़ी संतान के बारे में बात करें तो बड़ी संतान यानी 18 प्लस संतान है तो उनको करियर से संबंधित कोई बैड न्यूज़ आ सकती है जिससे थोड़ा सा वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी बड़ी संतान को डांटिएगा नहीं, उनको मोटिवेट कीजिएगा ताकि वो उस डिप्रेशन से निकल जाए। यानी बड़ी संतान को समझाने की ज़रूरत है, सफलता असफलता हाथ लगती रहती है। जो व्यक्ति असफल होता है, बार बार असफल होता है, उतना ही ज़्यादा सफल होता है, ये इतिहास गवाह। ये बात आपको अपनी बड़ी संतान को बताने की आवश्यकता है, पल पल उसको मोटिवेट कीजिएगा, उसकी कमियां मत निकालिएगा, उसको डांटिएगा नहीं तो वो और डिप्रेशन में जा सकता है। यानी कि अक्टूबर का महीना जो बड़ी संतान है उनको आपके साथ की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो उनका साथ दीजिएगा, उनको मोटिवेट कीजिएगा। अब बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का पूरा महीना 1 से 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो भाई गुरु चंडाल दोष बन रहा है स्टूडेंट लोग, तो थोड़ा सावधानी रखें। अक्टूबर का महीना थोड़ा खान पीन में कंट्रोल जरूर करना है, नहीं तो आपको बुरी लतों में आपके मित्र दोष डाल सकते हैं। तो बुरी चीज़ों में बिल्कुल पड़ने की आवश्यकता नहीं है, बुरी आदतों की शुरुआत हो सकती है और मन थोड़ा दुविधा और परेशानी वाला भी रहेगा, और मन जो है विद्या में बिल्कुल नहीं लगेगा, कोर्स में बिल्कुल नहीं लगेगा, मन बड़ा चंचल रहेगा। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है, आपको ज़बरदस्त कंट्रोल की ज़रूरत है, याद रखिएगा स्टूडेंट लोग, नहीं तो आप बिगड़ सकते हो। सातवीं घटना के बारे में बात करें तो इसका असर उन लोगों पर होगा जो नौकरी करते हैं, तो नौकरी भाव में अगर देखा जाए तो शनि और शुक्र का समसप्तक योग बन रहा है, यानी नौकरी में बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन या निर्णय लेने वाला समय अक्टूबर का महीना रहेगा। यानी नौकरी वालों को कोई ज़बरदस्त या कोई बड़ा निर्णय अक्टूबर में लेना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते, आपको कोई बड़ा निर्णय नौकरी से संबंधित लेना पड़ेगा। और यानी कि या तो आपको नया नौकरी का ऑफर मिल सकता है या मैनेजमेंट से कहीं जाने का
का प्रेशर आ सकता है, दूसरी जगह पे स्थान परिवर्तन आपका किया जा सकता है। अब आपको बड़ा निर्णय लेना है, टालना नहीं है, आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा। साथ ही साथ देखा जाए अक्टूबर के महीने में पद प्रमोशन के भी अच्छे योग बन रहे हैं, साथ ही साथ पद प्रमोशन के साथ में स्थान या पद में परिवर्तन के योग भी नजर आ रहे हैं। यानी प्रमोशन के साथ में आपको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जा सकता है, दूसरे शहर में शिफ्ट किया जा सकता है। अब आपको जाना है या नहीं जाना है, आपको मैनेजमेंट को क्लियर निर्णय करके बताना पड़ेगा, टालम टोल नहीं करनी है, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में काम में आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, तो कुल मिला के नौकरी में आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। ऐतिहासिक अक्टूबर का महीना आपका रहने वाला है। अब आठवीं घटना के बारे में बात करें, उसका संबंध आपके दाम्पत्य जीवन में है, यानी शुक्र की सातवीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो सातवीं दृष्टि प्रेम के ग्रह की प्रेम के स्थान में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रेम ही प्रेम अक्टूबर के महीने में बरसने वाला है। पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से बड़े प्रभावित होंगे, एक दूसरे से आकर्षण बना रहेगा और जो पुरानी गलतियां हुई हैं उसमें पानी फेरने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं, अपने रिलेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। और पार्टनर आपको इम्प्रेस करने के लिए भरपूर प्रयास करेगा, आपको कोई गिफ्ट देगा और आपके मनोमुताबिक चीज़ें करने वाला आपका पार्टनर। और पार्टनर और आप किसी हिल स्टेशन में भी अक्टूबर में जा सकते हैं या किसी पार्टी समारोह में भी भाई अक्टूबर के महीने में जा सकते हैं। तो अक्टूबर का महीना आप दोनों के रिलेशन के लिए वंडरफुल रहेगा। वहीं पर पति पत्नी के बारे में बात करें तो पार्टनर आपकी हर बात में आपके साथ खड़ा रहेगा, पार्टनर आपके लिए अपने परिवार से आपके परिवार से लड़ेगा, पार्टनर का जबरदस्त सपोर्ट अक्टूबर के महीने में आपके साथ रहेगा। गलत बात में भी, आपकी गलत बात में भी पार्टनर आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपको या आपको पार्टनर कोई सरप्राइज गिफ्ट भी अक्टूबर के महीने में दे सकता है, कोई मोबाइल, कोई वस्त्र, कोई आभूषण का लाभ आपको हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में किसी जान पहचान की समारोह या पार्टी में जाने के मौका भी आपको अक्टूबर के महीने में मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, एक बात अक्टूबर में हो रही है, यानी कि पार्टनर अनकंडीशनली आपको बहुत लव करने वाले हैं, आपका जबरदस्त सपोर्ट करने वाले हैं, तो आप भी उनका सपोर्ट जरूर कीजिएगा। नवी घटना के बारे में बात करें तो भाई गुरु राहु और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं अक्टूबर के महीने में, यानी अक्टूबर के महीने में आप देखा जाए तो पूजा पाठ या किसी गुरु से आपको इरिटेशन होगी, यानी पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगेगा, आप थोड़ा अक्टूबर के महीने में नास्तिक हो जाने वाले हैं, पूजा पाठ को डिले करने वाले हैं, गुरु पंडित इन पे ज़्यादा विश्वास नहीं करने वाले, क्योंकि गुरु चंडाल योग आपकी राशि में बना है, तो कहीं ना कहीं पूजा पाठ को अब दरकिनार करने वाले हैं, ऐसा अक्टूबर के महीने में आपकी विचारधारा रहेगी। दसवीं घटना के बारे में बात करें तो इसका प्रभाव रहेगा व्यापारी लोग या जो दुकान चलाते हैं, जो अपना काम करते हैं उन पे। तो यहाँ पर शुक्र का मालव्य योग बन रहा है, यानी पूरा का पूरा अक्टूबर का महीना 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो बड़ी कंपनी से आपके टाई अप हो सकते हैं, बड़ी कंपनी आपको मिलने के लिए बुला सकती है, तो आपको जाना जरूर है, बड़ी डील आपका साइन हो सकती है, लेकिन आप डॉक्यूमेंट में साइन करने से पहले अच्छी तरह से उसको पढ़ ले या लीगल व्यक्ति से उस डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से रेक्टिफाई कर ले ताकि आगे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। याद रखिएगा बड़ी डील आपको अक्टूबर के महीने में भाई मिल सकती है, लेकिन एग्रीमेंट को सावधानी से पढ़ें, साइन करने से पहले एग्रीमेंट को अच्छी तरह से विचार विमर्श कर ले। काम में बड़ी खुशखबरी मिल रही है, काम में तेजी मिलेगी, याद रखिएगा। तो कुल मिला के व्यापारी वर्ग के लिए अक्टूबर का महीना बड़ा लाभकारी है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, जय माता दी।